में जो बीजेपी सरकार के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो इतना हम लोगों का महिलाओं का मान सम्मान के लिए मैया सम्मान योजना इतना महत्वपूर्ण योजना चालू किए थे उसका उन्होंने बीजेपी सरकार विरोध कर रही है। तो मैं पूछना चाहती हूँ बीजेपी सरकार से, क्या आप लोगों ने बीजेपी सरकार जो पहले से बोल रही थी कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएगा, क्या बीजेपी सरकार 15 लाख दी है? हमारी सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने 1000 रुपया देकर हम महिलाओं को मान सम्मान देने का काम किया है, हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। तो ये इसका विरोध भी वो लोग जो काम कर रहे हैं, सच में हमारी झारखंड की जनता के लिए वो इतना खराब काम कर रहे हैं। जो हम लोग आज सड़क पर सब महिलाएँ सभी दल से सभी गांव देहात में सभी शहरों में हम लोग सब महिलाएं एक दूसरे से निकल चुकी हैं कि हमारी मान सम्मान की रक्षा के लिए हम लोग सड़क पर उतर चुके हैं। महिला मोर्चा जिंदाबाद। हर महिला के खाते में 1000 रुपया जो जा रहा है, तो हर परिवार में अगर 4 महिला है तो 4000 रुपया जाता है, तो उससे हमारा जो परिवार है सच में मजबूत हो रहा है, हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो ये बीजेपी वालों को फल नहीं रहा है, वो लोग किसी न किसी तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ में वो लोग इस तरीके से हर समय 5 साल से लगातार कुछ न कुछ करते आ रहे हैं। तो आज इसका विरोध में हम महिलाएं सड़क पर उतर चुकी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के समर्थन में, कल्पना मैडम के समर्थन में आज महिला नेत्री के रूप में कल्पना मैडम हमारे बीच में है। तो हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं, ये हम लोग बीजेपी और नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार के खिलाफ में उतर चुके हैं। हम लोग अगर इसी तरीके से ये लोग करते रहेंगे, हम लोग सड़क पर उतरे हैं, तो हम लोग उनका खुलकर विरोध करेंगे और आगामी विधानसभा में हम लोग इसका, हम महिलाएं सब मिलकर इसका जवाब हम लोग बीजेपी पार्टी को दे देंगे। पूरा परिचय, मेरा नाम चंद्रवती महतो, मैं जिला पूर्वी सिंह।